कार्यक्रम लवकर चांगले सुरुवात करायचं त्यामुळे सर्वांचा अभिनंदन घेत आपण कार्यक्रमामध्ये बोलूया. मास संघटना ही मागील 8 वर्षापासून अविरतपणे विद्यार्थी आणि डॉक्टर या दोघांच्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या शैक्षणिक जीवनामध्ये जे उपयुक्त कार्यक्रम आहेत की त्याचं सातत्याने ते कार्यक्रम राबवले जातात. डॉक्टरांसाठी त्यांच्या वैयक्तिक व्यवसायात त्यांच्या क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये ज्या गोष्टींची गरज आहे अशा पद्धतीचं ज्ञान देण्याचं मागील 8 वर्षापासून मास संघटना कार्य करत आहे. मास संघटनेचं मुख्य उद्दिष्ट अधिकाधिक आयुर्वेदाची माहिती आणि अधिकाधिक आयुर्वेदाचा वापर हा डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांमध्ये व्हावा आणि त्या दृष्टीने येणाऱ्या भविष्यातील वैद्यांची आणि डॉक्टरांची चांगली फ्री तयारी अशा पद्धतीचा मानस आहे. स्पर्धा सुरू करण्यासाठी धन्वंतरी पूजनाकरिता मी व्यासपीठावरती DY पाटील आयुर्वेदिक कॉलेजचे अधिष्ठाता प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार हरित सर यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. मास संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामदासजी गर्जे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजन सचिव डॉक्टर सुदर्शन हंडे सर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आजच्या कार्यक्रमाचे आणखीन एक आयोजन सचिव डॉक्टर ज्ञानेश्वर जाधव यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. तसेच आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला लाभलेले प्रमुख परीक्षक डॉक्टर अर्चित वैद्य, डॉक्टर संदीप राजपूत, डॉक्टर हेमागिरी वागुळते, डॉक्टर चारुशील गिरी यांचे देखील मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने स्वागत करतो. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांना मी धन्वंतरी पूजनासाठी तसेच धन्वंतरी सवर्णाकरिता मी डॉक्टर शिल्पा यादव यांना निमंत्रित करीत आहे. डॉक्टर मंजिरी केसकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी धन्वंतरी पूजनासाठी Oh.
रेस्पेक्टिव जजेस है मास के सभी मददगारी घर पूरे महाराष्ट्र से आए हुए स्टूडेंट्स माय फैकल्टीज इस संस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूँ जजेस साहब को कि वो इस तरह की एक्टिविटीज एकेडमिक क्लिनिकल कंटिन्यू कुछ ना कुछ आयोजन करते रहे और इसमें कुछ अंग्रेज मिलता है, लोगों को सीखने को मिलता है। अभी शायद फर्स्ट आयोजन आपको बच्चों के लिए शायद फर्स्ट आयोजन मीटिंग्स हो रहे हैं, लोग हमेशा आगे होती रहती है। आप बच्चों के लिए पहली अपॉर्चुनिटी, ये एक स्टेज है आपके लिए, एक्सपोजर एक्सपोज बोल सकते हैं कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। लर्निंग प्रोसेस हमेशा चालू रहना चाहिए और जो कुछ भी जहाँ कुछ भी आपको नया चीज़ सीखने को मिलता है लाइफ वहाँ से आपको सीखना चाहिए। और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं और अच्छे से अच्छा आप वक्तव्य स्पर्धा में पार्टिसिपेशन करेंगे और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरतेंगे और बाद में इंस्टीट्यूट की विजिट भी लोग की संस्कृति की स्पेसिफिकेशन क्या और कुछ अच्छी चीज़ आपको लगे इंस्टीट्यूट में जाकर के देखें कि ऐसी चीज हमारे यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा एक बेहतर तरीके से होना चाहिए वो भी आपका अधिकार, आप अपने इंस्टीट्यूट में जाकर डिमांड कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ खराब लगे तो वो भी आपको हम लोग इंटीमेट करो कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं है, उसको आप डेवलप करना है। वी आर रेडी टू चेंज। थैंक यू वेरी मच गर्जी साहब और श्लोकामधूनच काढतात। फर्स्ट इयरला जर विद्यार्थ्याला श्लोकमध्ये आवड निर्माण झाली